एक महिला न्याय की मांग कर रही है और उसने धमकी दी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो अपने 3 बच्चों के साथ वो आत्महत्या कर लेगी। आपको बता दें, पति की कार में साजिश के तहत हथियार और बम बनाने का सामान रखकर विदेश से पुलिस को सूचना देकर फंसाने का आरोप लगाते हुए महिला ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो 3 बच्चों के साथ जहर खाकर वो आत्महत्या कर लेगी। महिला रुखसाना ने कहा कि उसके पति को केस उठाने की धमकी और रंगदारी नहीं देने पर साजिश के तहत गाड़ी में हथियार रखकर फंसाया गया है। बालीडीह पुलिस घर में घुसकर रंगदारी और बेटी के साथ गलत नियत से छेड़खानी करने वाले पर मामले भी दर्ज नहीं कर रही है। रुखसाना परवीन ने बताया कि 20 मार्च को ही मकदमपुर के रहने वाले शादाब खान और साहिल घर में घुसे, रंगदारी की मांग की और बेटी के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ भी की। जब इसका विरोध किया गया, धमकी दी उन्होंने कि तुम्हारे पति को फंसा दिया जाएगा और 19 अप्रैल को पति के कार में हथियार रखकर पुलिस को सूचना दे दी गई और इसकी सौदेबाजी की गई है। अब ये न्याय की गुहार लगा रही है। हम लोग को न्याय चाहिए सर। हमारी बेटी पर हमारे घर में कुछ लोग घुस कर रंगदारी मांगे थे, हमारी बेटी को गलत निगाह से छेड़खानी किए थे सर। हम केस दर्ज करवाएं जाकर बालीडीह थाना में, वहां से कोई एक्शन कोई नहीं लिया सर। और तो कुछ दिन ये घटना के बाद कुछ दिन बाद सर मेरे हस्बैंड को फंसाया गया कार में हथियार ये सब रख कर सर, 3-4 दिन पहले सर। और कुछ दिन पहले उनके गाड़ी की चाबी मंजूर अंसारी मांग कर ले गए थे, अपनी बेटी को कहीं से लाना था सर। घटना से पहले, ये घटना होने से